सभी विद्वान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मैं सतीश पुरोहित आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने देखा था BLO सर्वे कैसे करना है, डोर टू डोर सर्वे जो था उसकी मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई थी और किस प्रकार आपको टीम बनानी है और कैसे सर्वे करना है, पूरी बातें बताई थी। लेकिन दोस्तों, इसमें एक चीज़ और आप देख पा रहे हो, आप स्क्रीन पर सारी चीज़ें देख पा रही हो, जो RSMP ऐप आपके सामने है उसके अंदर COVID-19 सर्वे साफ लिखा हुआ है। उसके बाद आपको कई ऑप्शन जैसे BLO जीविका, BLO सर्वे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ई मित्र, सिटीजन सर्वे और जो है MHFW डिपार्टमेंट, ये दिखा रखा है। पर दोस्तों, इसमें हम सभी को इसमें काम नहीं करना है, क्योंकि इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो अगर एंट्री करते हैं तो इसमें काम करना है, और ई मित्र वाले हैं उनको इसमें काम करना है, सिटीजन सर्वे यानी कोई आम नागरिक है उनको इसमें करना है। लेकिन BLO जो है, अगर आप BLO एंटर होते हो तो आपको इन दो भागों में ही काम करना है, और दो में से जो पहला है BLO सर्वे, इसका वीडियो मैंने कल आपको प्रोवाइड कर दिया है और आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स आया आप लोगों का। लेकिन जो BLO जीविका है उसके बारे में मैं आपको आज डिटेल से बताने वाला हूँ कि ये BLO जीविका जो है इसमें काम कैसे करना है। और दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो हम एंट्री करेंगे उसी एंट्री के आधार पर जो वंचित परिवार है उनको राशन दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले ऐप के अंदर। तो दोस्तों, हम RSMP ऐप जो है उसके जो फर्स्ट पेज है उस पर आ गए हैं और आपको यहाँ पे COVID-19 राजस्थान सतर्क लिखा है वहाँ पे क्लिक करना है और आप देख पा रहे हो आ गया। उसके बाद आपको जो BLO जीविका जो है उस पर क्लिक करना है। दोस्तों, उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आप सामने देख पा रहे हो इस प्रकार का पेज जो आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें BLO विवरण आप देख पा रहे हो, मेरा नाम और मोबाइल नंबर दे रखे हैं, उसके बाद BLO के जो कोड है वो दे रखे हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हो सबसे ऊपर फर्स्ट में जो दे रखा है वो तो है कॉलोनी विवरण, उसके बाद कॉलोनी जरूरतमंद परिवार का विवरण, दिनांकवार खाद्य पदार्थ की आवश्यकता, दानदाताओं का विवरण, दिनांकवार दानदाताओं का द्वारा खाद्य पदार्थ, दिनांकवार दानदाताओं द्वारा खाद्य पदार्थ, यानी इन सभी चीज़ों की एंट्री हमें इसके अंदर करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ऐसे बता दूँ, जो आप कॉलोनी विवरण आप देख पा रहे हो जहाँ पर नाम, ये इस पे आपको क्लिक करना है और आपकी जितनी भी कॉलोनी है इसको एंटर कर देना है। तो दोस्तों, पहले ये वीडियो पूरा देखना आप और मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना। इसकी जब एंट्री करो तो आपको बहुत ही सावधानी से करना है। सावधानी से मेरा मतलब है, यदि आपने यदि कोई गलत एंट्री कर दी तो आपका डिलीट नहीं होगा, क्योंकि इस ऐप में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कहीं भी इसके अंदर डिलीट का ऑप्शन नहीं है। तो आपको कॉलोनी का नाम कैसे ऐड करना है, आप देख पा रहे हो कॉलोनी नेम, या आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जो भी कॉलोनी आपके है, तो कैसे है का मतलब है आपके अपनी वोटर लिस्ट रखना, उसके अंदर जो जो भाग उसके दे रखे, अनुभाग जो दे रखे हैं, उन अनुभागों का बड़ा ही सावधानी पूर्वक आपको इसके अंदर एंटर कर लेना है और उसके बाद सेव कर देना है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा दूं, मैंने एक जो कॉलोनी है इसके अंदर ऐड की है आपको डेमो के लिए। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ धर्मशाला के पास मेघवाल बस्ती, तो मेरी ये पहला ही है उसके अंदर, जो मेरी वोटर लिस्ट है उसके अंदर, तो मैंने उसको एंटर कर दिया है। यदि आपने गलती से इसके अंदर कोई दूसरा नाम या डेमो के रूप में ऐसे ही कुछ लिख दिया तो दोस्तों उसके बाद वो डिलीट नहीं होगा। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको PPT के द्वारा आगे का वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर अगर लाइव में कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो उसका कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हो सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग जयपुर द्वारा तैयार RSMP ऐप में BLO द्वारा किए जाने वाले कार्य हेतु दिशा निर्देश। तो दोस्तों, आप वीडियो बड़े सावधानी से और ध्यानपूर्वक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों अभी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। और दोस्तों, हो सकता है कि ये सर्वे जो है इसके अंदर कुछ और भी ऑप्शन आपको जैसे ई मित्र वगैरह दिखाया है, तो हो सकता है सर्वे में उनकी भी भूमिका हो। और मैं और भी बहुत सारी बातें जो है इससे संबंधित जो RSMP ऐप है वो आपको समय समय पर बताता रहूंगा। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हो BLO द्वारा किए जाने वाले कार्य, तो दो भाग दिए इसके अंदर, BLO जीविका और दूसरा है राशन की। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको BLO जीविका जो है उसकी पूरी डिटेल बताऊंगा। तो BLO जीविका में सबसे पहले आप देखो, इस ऑप्शन में BLO को अपने क्षेत्र में जरूरतमंद परिवार को चिन्हित कर उनका विवरण तथा उनके क्षेत्र में स्थित दानदाताओं का विवरण दर्ज करना है। दोस्तों, सबसे पहले किसको करना है, जरूरतमंद परिवार है उनको चिन्हित करना है आपको, और उनका विवरण तथा उनके क्षेत्र में स्थित दानदाताओं का विवरण, दो चीजें इसके अंदर, एक तो जरूरतमंद परिवार और दूसरा है दानदाता।
चूंकि सभी बीएलओ द्वारा ऐप इंस्टॉल किया जा चुका है अतः ऐप का होम पेज निम्न प्रकार दिखाई देगा। दोस्तों मैंने आपको भी ऐप का होम पेज दिखाया था, आप देख पा रहे हो सर्किल के अंदर कोविड 19 ऑप्शन पर क्लिक करना है जिससे स्क्रीन आपको दोस्तों इस प्रकार प्रदर्शित हो जाएगी। उस स्क्रीन पे आप साफ देख पा रहे हो सबसे पहले लिखा है बीएलओ जीविका। बीएलओ जीविका ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक करना है और क्लिक करते आपके सामने इस प्रकार की स्क्रीन जो मैंने अभी आपको दिखाई थी लाइव डेमो के अंदर वैसी स्क्रीन जो है आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले जो आपका जो बीएलओ विवरण है ऊपर आ जाएगा, आईडी आ जाएगी, उसके बाद कॉलोनी विवरण, कॉलोनी जरूरतमंद परिवार का विवरण और दिनांक वार खाद्य पदार्थ की आवश्यकता, दानदाताओं का विवरण, दिनांक वार दानदाताओं द्वारा खाद्य पदार्थ, ये सारे ऑप्शन जो है आपकी होम पर आपको दिखाई देंगे। तो कॉलोनी विवरण में आपको अपने क्षेत्र के मोहल्ले के नाम दर्ज करने हैं। कॉलोनी के नाम दर्ज करने पर ही अगले ऑप्शन में कॉलोनी का नाम प्रदर्शित होगा। तो दोस्तों बड़े सावधानी पूर्वक मैंने आपको पहले ही बताया है क्योंकि इसके अंदर डिलीट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपकी जो वोटर लिस्ट है उसकी सहायता से आप अपने जो अनुभाग है उनका नाम सावधानी से और क्रम से इनको दर्ज कर लेना। ध्यान रखे कोई नाम रिपीट नहीं हो जाए, अगर दो बार भी कोई नाम आ जाएगा दोस्तों तो वो डिलीट होने वाला नहीं है। उसके बाद आप कॉलोनी विवरण में देखिए साफ दिखा रखा है जैसे बीएलओ कोड कॉलोनी का नाम, इसमें आपको नाम लिखना है, उसके बाद सेव का ऑप्शन आपको, तो सेव पे क्लिक कर देना है। सेव जैसे आप सेव कर दोगे तो जोड़ी गई कॉलोनी की सूची पे जब आप क्लिक करोगे तो यहां नीचे जो है कॉलोनी का नाम आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको लाइव डेमो के अंदर दिखाया था मेरी कॉलोनी का नाम यहां शो कर रहा है। तो दोस्तों इसके बाद जरूरतमंद परिवार के विवरण में उक्त दर्ज की गई कॉलोनी में कुल परिवारों की संख्या, जरूरतमंद परिवारों की संख्या तथा जरूरतमंद परिवारों में सदस्यों की संख्या दर्ज करनी है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको तीन चीजें दर्ज करनी है। सबसे पहले तो जैसे आपने कॉलोनी का नाम इसके अंदर दर्ज कर दिया, समझने के लिए प्रयास कीजिए जैसे मैंने आपको दर्ज करके दिखाया था। उसके बाद आपको पता है अपने वोटर लिस्ट के अंदर उस कॉलोनी के अंदर कुल कितने परिवार है, तो सारे परिवारों की संख्या जो इसके अंदर आपको दर्ज कर देनी है। उसके बाद आपको उनमें से जो है छंटनी करनी है कि जरूरतमंद परिवार कौन से हैं और कितने परिवार है उनकी टोटल संख्या लिखनी है। जैसे मान लो यहां मैं बता दूं आपको कुल परिवार जैसे मान लो इस कॉलोनी में 50 है और उसमें से यदि जरूरतमंद परिवार 20 है तो इसमें दोस्तों आपको 20 आ जाएगी संख्या। और परिवार में सदस्यों की संख्या जो है इसमें जो 20 परिवार जो दे रखे हैं जरूरतमंद, जैसे मान लो इन 20 में से मान लो जैसे 80 सदस्य हैं तो यहां पे आपका दोस्तों 80 आ जाएगा। और उसके बाद ही आपको जो सेव दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। अब रही बात दोस्तों कि आपको कैसे पता चलेगा कि जरूरतमंद परिवार कौन से हैं, तो दोस्तों इसके अंदर अलग से जो है आपको विशेष परिवार का आपको दे रखा है, इसके अंदर बता रखा है कि कौन कौन से, यानी जो 36-37 जो कैटेगरी दे रखी है हमें वो तो है ही है। इसके अलावा दोस्तों मैं और भी कुछ बातें बताऊंगा, जैसे अपने फॉर्मेट 4 भरा था, सभी बीएलओ जो है वो प्रपत्र 4 भर के अपने जो है ईआरओ या पीओ को जो है डेली सूचना देते हैं, तो वो जो सारे लोग हैं वो अपने अपने काम छोड़ के आए हैं, उनकी तो एंट्री होगी होगी। उसके अलावा आप देख रहे हो कोई खत्ती का या लकड़ी का काम करने वाला है, रिक्शा चालक है, इस प्रकार के जो जो दे रखे हैं सारे जो लोग हैं, और जो नाई है, धोबी है, इस प्रकार के लोग जो अपना काम 50 दिन से लगभग जो है उनका बंद हो गया है तो उन लोगों की एंट्री भी देनी है। इसके अलावा जैसे कोई भारत के बाहर से आया हो या कोई अन्य राज्य से आया हो या अन्य जिले से आया हुआ हो और होम क्वारंटाइन रहा हो या मान लो इंस्टीट्यूशनल रहा हो तो उन सब की जो परिवार है उनकी संख्या इसके अंदर आ जाएगी और उनके जो सदस्य हैं उनकी सारी आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों एक परिवार के एक सदस्य को है वो 5 किलो गेहूँ वितरित किए जाएंगे, तो इसलिए दोस्तों बड़ी सावधानी और ध्यान से आपको सही सही करके आपको दर्ज करना है ताकि कोई भी वंचित परिवार है इसको लेने से वंचित नहीं रह जाए। अगला है दिनांक वार खाद्य पदार्थ की आवश्यकता निम्न ऑप्शन में दर्ज करनी है, तो नीचे आप देख पा रहे हो दिनांक वार जो है खाद्य पदार्थ की आवश्यकता, कितनी आवश्यकता यहाँ आपकी दिनांक आ जाएगी। उसके बाद दो भागों में इसको दे रखा, एक तो है बना बनाया खाना और दूसरा जो है कच्चा माल। तो बना बनाया खाए कितने पैकेट आपको आवश्यकता होती है इसके अंदर, जैसे मान लो 20 परिवार हैं और उसमें 80 सदस्य हैं तो मान लो जैसे इसके अंदर 80 पैकेट की आपको आवश्यकता होती है, यहाँ आप उसको कर देंगे। इसके अलावा यदि मान लो आवश्यकता तो होती है, उसके बाद है कच्चे माल की संख्या, कच्चा माल जो है वो कितना आपको कितने पैकेट चाहिए, दूध के पैकेट की संख्या और सब्जियाँ कच्चे माल के अंदर है तो सब्जी भी आएगी इसके अंदर, सब्जियाँ हैं कितने किलो की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद इसको सेव कर देना है। दोस्तों आगे आप देख पा रहे हो आपके क्षेत्र के दान दाताओं का विवरण निम्न ऑप्शन में दर्ज करना है, जिसमें दानदाता का नाम,
पता तथा लोकेशन डिस्टिनेशन में कॉलोनी का नाम दर्ज कर सकती हैं। तो दोस्तों इसके अंदर जो है डोनर ने दानदाता है जो भी जैसे पैकेट है वो तैयार माल या कच्चा माल कैसे भी उपलब्ध कराता है तो उस दानदाता का यहाँ नाम भर दोगे, यहाँ उसका एड्रेस और यहाँ उसकी लोकेशन करके आप उसको सेव कर दोगे। तो उसके बाद दोस्तों आप देख पा रहे हो निम्न ऑप्शन में दानदाताओं द्वारा किए गए खाद्य पदार्थ का विवरण दिनांक वार दर्ज करना है, किस किस डेट को किस किस ने दिया सारी डिटेल है दोस्तों आ जाएगी। तो डोनर का नेम आ गया यानी दानदाता का नाम, दिनांक किस दिनांक को दिया, फूड के पैकेट संख्या लिखनी है कितने पैकेट बांटे, रो मटेरियल यानी कच्चा माल जो कच्ची सामग्री है उसका कितने जो संख्या है वो, इसके अलावा दूध की जो है संख्या वो बतानी आपको और वेजिटेबल है वो केजी के अंदर बतानी आपको यानी कितने किलो जो है उसके बाद इसको सेव कर देना है दोस्तों। तो बीएलओ जीविका में आपको यही कार्य करना है। पर दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई वंचित परिवार जो है इससे इसके फायदे से वंचित नहीं रह जाए, इसलिए जो है आप बीएलओ है सभी इसके अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र में वो तो कोर ग्रुप की है वो सहायता ले सकते हैं क्योंकि कोर ग्रुप की जो कमेटी बनाई है उसका मेंबर आपका सहयोग करेगा और जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें नगर पालिका का जो व्यक्ति है वो आपको इसके अंदर सहयोग करेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कमेंट और अपने साथियों के साथ शेयर करना। जय हिंद जय भारत।